और रायपुर से अगली बड़ी खबर आ रही है। सीएम भूपेश बघेल ने एक पत्र लिखा है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को। उन्होंने पत्र लिखा, बिलासपुर नगर को उड़ान 5 योजना में जोड़ने की उन्होंने मांग की है। बिलासपुर नगर को योजना में शामिल नहीं किया गया है और इसी से निराश है। केंद्र सरकार के इस निर्णय से बिलासपुर वासियों में निराशा की भावना है और यही बात वह एक पत्र के द्वारा ज्योतिरादित्य सिंधिया को बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो सीएम भूपेश बघेल ने यह पत्र लिखा है ज्योतिरादित्य सिंधिया को कि बिलासपुर नगर के लोगों में निराशा इस बात को लेकर। और हमारे संवाददाता सौरभ शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे सीधे हम चर्चा करेंगे। सौरभ, जो है सीधे तौर पर देखा जाए तो मुख्यमंत्री ने सीधे दखल दिया है कि बिलासपुर नगर को उड़ान 5 योजना में जोड़ा जाना चाहिए और सीधे उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को पत्र लिख गया। क्या कुछ कह रहे हैं इस बारे में? जी ललित, बिल्कुल। देखिए, यदि मैं बात करूं तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय उद्यान मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को यह पत्र लिखा है और उसमें साफ तौर पर यह कहा है कि जो उड़ान 5 योजना है उसमें छत्तीसगढ़ के बिलासपुर को शामिल कहीं नहीं किए जाना कहीं ना कहीं लोगों का विरोध है और इसी के चलते मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह पत्र लिखा है और साफ तौर पर यह भी कहा है कि छत्तीसगढ़ में दूसरा सबसे बड़ा जिला जो है वो बिलासपुर है और उसके साथ ही साथ जो हाई कोर्ट है राज्य का वो भी बिलासपुर में है और वहां पर लोगों का और जो बड़े वकील है उनका बिलासपुर आना जाना लगातार चलते रहता है। रायपुर पहले उनको आना पड़ता है और उसके बाद वो बिलासपुर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका विरोध जो है हाई कोर्ट से भी हो रहा है और प्रदेश की जो बिलासपुर की जनता है वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। अभी तक यदि हम पूरे वहां बिलासपुर एयरपोर्ट की बात करें तो 45 करोड़ से अधिक के राशि वहां पर विकास करने में किया जा चुका है लेकिन उसके बाद भी नियमित विमान वहां से नहीं मिलना, ये मुख्यमंत्री ने विरोध जताया है और ये भी कहा है कि जल्द इसे उड़ान 5 योजना में शामिल करने का काम जो है वो केंद्र करे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे। गौरव शुक्ला हमारे साथ जुड़े थे, हमारे संवाददाता, और सीधे अगली खबर का हम रुख करेंगे।